नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और मैं आज आपके सामने फिर से एक बार आप लोगों की डिमांड पे लेके आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जुपिटर 125 के डिस्क वेरिएंट और जुपिटर 125 के नॉर्मल वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये दोनों स्कूटी आज हमारे सामने हैं। ये आपकी ड्रम वेरिएंट है, ये आपकी डिस्क वेरिएंट है जिसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बन रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पिछले एक साल से मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट आप मेरे सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कितने कम हैं। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अब सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है तो मैं भी निराश हो जाता हूँ, वीडियो अच्छी अच्छी टाइम से नहीं ला पाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं और आप लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। तो इस साइड में आप जो ये देख पा रहे हैं, ये इसकी आपकी ड्रम वेरिएंट है जुपिटर 125 की, और यहाँ पे है जो है ये आपकी डिस्क वेरिएंट है। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग इसे की के साथ में कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो आपको की मिलती है ये आपको नॉर्मल से की मिल जाती है, जैसी जुपिटर के हर जुपिटर में पहले की आती थी वैसे ही जुपिटर 125 में भी आती है, और सेम वैसी ही की आपको इसके जो डिस्क वेरिएंट है उसमें भी मिल जाती है। और फीचर भी अगर आप बात करें दोनों में सेम है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल आपको फीचर्स मिल जाते हैं, ऑन ऑफ मिल जाता है, बूट ओपन करने के लिए यहीं पे आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है, कहीं दूसरे जगह से आपको नहीं की यूज़ करना पड़ेगा, आप सिंगल यहीं पे बैठे बैठे सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर फ्रंट लुक की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले आपकी जो नज़र जाएगी, आपकी नज़र जाने वाली है जुपिटर 125 के डिस्क वेरियंट के क्रोम फिनिश पर। अगर आप बात करते हैं ड्रम वेरिएंट में, ड्रम वेरिएंट में आपको क्रोम फिनिश नहीं आती है, जबकि डिस्क वेरिएंट की अगर बात की जाए इसमें आपको क्रोम फिनिश भी आती है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको DRLs भी मिल जाते हैं, जो कि मैं दिखा देता हूँ। इतने धूप में उतने ज़्यादा विजिबल तो नहीं हो पा रहे होंगे, बट आपको समझ में आ जा रहा हो, इसमें आपको DRLs आ जाते हैं। और जबकि अगर नॉर्मल जुपिटर की बात करें ड्रम वेरिएंट वाले की, तो उसमें आपको DRLs नहीं मिलते हैं, कुछ नॉर्मल टाइप का मिल जाता है। बट अगर देखा जाए तो जो ड्रम वेरिएंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है। इसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ डिटेल में, तो वो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं मेनली आपको जो चेंजेस हैं दोनों में वो बताने की कोशिश करूँगा, और जो दूसरा चेंज है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अलॉय व्हील्स में, जो इस जुपिटर में ड्रम वेरिएंट के जुपिटर में अलॉय व्हील मिलते हैं, जैसे पहले पुराने जुपिटर्स में अलॉय व्हील आते थे सेम वही आते हैं। जबकि अगर बात कर लिया जाए डिस्क वेरिएंट की, तो डिस्क वेरिएंट में भी आपको जो अलॉय व्हील मिलते हैं वो आपको मिल जाते हैं डायमंड कट। ये भी पहले के एक जुपिटर के मॉडल आता था, ग्रैंड करके कुछ आती थी, उसमें ऐसे अलॉय व्हील आते थे, बट उसके बाद वो बंद हो गई थी। बट अभी भी इस वाले में देना शुरू कर दिया है TVS ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये डायमंड कट अलॉय व्हील। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। इस जगह इसका अगर डिस्क की बात करें तो यहाँ पे जो इसका डिस्क का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा आपको इसमें मिल जाता है। सिंगल कलेपर का आपको इसमें डिस्क मिल जाता है, साइड रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, क्योंकि BS6 है और BS6 के अकॉर्डिंग आपको साइड रिफ्लेक्टर देना मैंडेटरी कर दिया गया है। और फ्रंट में तो कुछ और चेंजेस नहीं आते हैं, दोनों में आपको LEDs मिल जाती हैं, और LEDs की थ्रो की बात करें वो भी काफ़ी अच्छा आपको थ्रो मिल जाता है। और पहले की अगर बात करें एक्टिवा से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें आपको थ्रो मिल जाता है, क्योंकि एक्टिवा का जो थ्रो है कंपनी फिटेड जो आता है उतना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि एक्टिवा हम लोग राइड करते हैं। अभी इस वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा, अगर आपको विश्वास नहीं रहा, एक्टिवा हम लोग राइड करते हैं, और जो कि दिखने में भी पर्सनली बोलें तो जुपिटर जो है काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, और एक्टिवा से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। 125 सेगमेंट में अच्छा खासा मार्केट बनाने वाली है जुपिटर। और अगर हम दूसरे चेंज की बात करें तो दूसरा चेंज आपको मिल जाता है इसके इस जगह पे की के बगल में, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि USB टाइप वाला है। अभी मैं टेस्टिंग नहीं किया हूँ कि इसका वर्क कैसे करता है, कितना फास्ट है कि नहीं है, बट आपको मिल जाता है। और यहाँ पर ग्लो बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी डिसेंट था, अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए वहाँ लगा सकते हैं। और इस जगह पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है, ये ड्रम वेरिएंट है। बट अगर चाहते हैं आप तो TVS में आपको एसेसरीज़ के तौर पे लगवा सकते हैं, ये फैसिलिटी TVS देती है। और दोनों अगर फ्रंट की बात करें तो ऐसा कुछ लुक आने वाला है, दोनों में सेम साइज लगने वाला है। बट एक चीज़ और आपको चेंज मिल जाती है इस जगह पे, जो आपको मीटर कंसोल के बगल की जगह है ये आपको जो मिल जाता है बॉडी कलर मिल जाता है। और अगर ड्रम की बात करें, ड्रम में आपको बॉडी कलर का नहीं मिलता है, ये ब्लैक कलर का मिलता है, जो ओवर द टाइम अगर सनलाइट की बात करें, अगर डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने से वाइट पड़ जाता है, जैसा कि हर स्कूटी में होता है वाइट हल्का पड़ जाता है। बट अगर आपको बॉडी कलर का मिलता है तो वो वाइट नहीं पड़ता, वो जैसे कि जैसी उसकी शाइनिंग रहती है वैसी ही रहती है। सन में तो थोड़ा बहुत कलर डल होता है, उतना तो चलता है, बट वाइट नहीं पड़ता है ये।
और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में कुछ खासा चेंज नहीं है, बस आपको अलॉय व्हील में चेंज आ जाते हैं। बाकी सब की अगर बात की जाए तो बाकी सारा कुछ सेम है और कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। दिखने में बिल्कुल हूबहू सेम लगती है। पीछे के साइड से आप नहीं पहचान पाएंगे क्या ड्रम वेरियंट है डिस्क वेरियंट है, बस एक ही तरह। अगर आप उसका अलॉय व्हील देख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये ड्रम वेरियंट है। और अगर बात कर लेते हैं इसमें तो आपको इसमें कुछ नॉर्मल वाला अलॉय व्हील मिलने वाला है और टायर साइज दोनों में आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। टायर साइज की अगर बात करते हैं तो 1990 आपको पीछे में 12 इंच का टायर मिल जाता है। अगर हम फ्रंट की बात कर लेते हैं, फ्रंट में भी आपको 1990 12 इंच का टायर मिल जाता है और सेम आपको इसमें भी मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा कि मैं ए टू जेड सब कुछ कवर करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से बोल दूंगा। और दूसरी जो चीज़ है साइड में आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर आपको व्हाइट कलर की फिनिश मिल जाती है, सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है। बट अगर बात करें डिस्क वेरिएंट की, डिस्क वेरिएंट में आपको क्रोम फिनिश मिलती है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव सा लगता है, वो दोनों मिल जाता है बट मैं दिखा देता हूँ। इस जगह आप देख पा रहे अंदर का जो फ़ैन है वो हल्का सा रेड टाइप में मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील दे देता है। बट ये बाइक स्पोर्ट ये स्कूटी जो है ये स्पोर्टी नहीं है, आपको फैमिली यूज़ के लिए प्रॉपर फैमिली यूज़ के लिए जो अगर इसकी स्पोर्टी स्कूटी की बात करते हैं तो वो आपकी एंटॉर्क हो जाती है। एंटॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 125 उसका जो टॉर्क है और बाकी सब पावर फिगर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलाने में काफ़ी ज़्यादा उसको मज़ा आता है। इस स्कूटी की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है। एंटॉर्क की अगर बात करें वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी, बोलते थे कि वो बाइक टाइप की साउंड करती है, बट ये जो है इसका जो साउंड है इसके जो साइलेंसर का साउंड ही काफ़ी अच्छा। मैं बस स्टार्ट करके इसको दिखा देता हूँ। इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है इसलिए मुझे इसका स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप का आप उसमें साउंड मिल जाता है जो कि काफ़ी सही से आपको मिल जाता है, नॉर्मल सा, जैसे बाकी 125 की स्कूटी साउंड करती है कुछ इसी टाइप की ये भी स्कूटी साउंड करती है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल जाता। क्रोम फिनिश की बात करें तो ऊपर के साइड में दोनों में आपको सेम क्रोम फिनिश मिलेगी, सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। और ये आपको जो साउंड सुनाई दे रही है टीम की, अगर आप इसका स्टैंड जो है वो लगा देंगे तो आपको ये साउंड नहीं आएगी। तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर आपको दिए गए हैं। अगर फीचर की बात करें तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। मोड बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ। ट्रिप एफ तब काम करता है जब आपकी फ्यूल लो रहता है, तब आपका ट्रिप एफ स्टार्ट हो जाता है। और तो कुछ खास फीचर नहीं है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा आपको रिव्यू वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। और बूट की अगर बात करते हैं बूट में क्या क्या चेंजेस हैं, तो बूट में कोई चेंजेस नहीं है, बूट आपको बिल्कुल सेम सा मिलता है। इसमें जैसा कि आपको बूट दिख रहा है सेम ऐसा बूट आपको उसमें भी मिल जाएगा, कोई भी जरा सा भी चेंजेस नहीं है। मुझे लगा था कि थोड़ा सा चेंज करेंगे 125 के डिस्क वेरिएंट के, यहाँ पर लाइट देंगे, यहाँ पर जगह दिया गया है लाइट का, बट उसमें भी लाइट नहीं दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कोई लाइट नहीं लगाया गया है, बट आप यहाँ पे लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट नहीं, जो भी TVS के एसेसरीज़ के तौर पे उसको लगवा सकते हैं। और बूट की बात करते हैं तो बूट तो मैसिव दिया ही गया है, इतना बड़ा बूट किसी और स्कूटी में आपको अवेलेबल नहीं हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा दिखने वाली स्कूटी है ये, नए डिज़ाइन के साथ आई है, नए फिलॉसफी के साथ में स्कूटी आई हुई है। और पर्सनली बोले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इसको बनाने की कोशिश की गई है। फ्यूल टैंक इसके आगे साइड में दिया गया है ताकि अगर आपको फ्यूल फिल करवाना है तो आपको उतरने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि स्कूटी में आप जानती हैं कि उतरना पड़ता है। कुछ स्कूटी में पीछे के साइड में दे दिया गया है, इसकी जुपिटर में भी दिया गया था, एक्टिवा में दिया गया है, बट उस भी आपको उतरना पड़ता, बट फ्रंट में है तो आपको उतरना नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दी गई। सब कुछ कवर कर रहा हूँ तो छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ भी कवर कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो है आप किक देख पा रहे हैं, जब ये लॉन्च हुई थी इसमें किक नहीं दिया गया था, बट TVS से बोला गया, सो क्रिटिसाइज इतना हुआ कि वो TVS ने इसमें किक देना स्टार्ट कर दिया गया। तो किक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको किक अच्छा लगता है और ज़रूरी भी है। मे भी कभी बैटरी आपकी डाउन हो जाए तो आप किक के थ्रू स्टार्ट करके कहीं तो जा सकते हैं, क्योंकि स्कूटी में तो गियर भी नहीं है कि गियर में डाल के आप उसको पुश करके स्टार्ट कर लें, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। किक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मैंडेटरी फीचर स्कूटी में तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर फीचर्स की बात करें दोनों स्कूटी में आपको सेम से फीचर मिल जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस थे छोटे मोटे मैंने आपको दिखा दिया। इसमें आपको इंटेलिको फीचर मिल जाता है ड्रम वेरिएंट में, और अगर बात करें डिस्क वेरिएंट की, डिस्क वेरिएंट में भी आपको इंटेलिको फीचर मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की तो 3500 आपको डिस्क वेरिएंट महंगी पड़ेगी और 3500 और ड्रम वेरिएंट आपको सस्ती पड़ेगी। अलग अलग सिटीज़ में वेरी कर सकता है प्राइस, आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पर जाके प्राइस कन्फर्म कर सकते हैं।
कुछ यही इस वीडियो में था। अगर आप मुझे इससे कुछ छूट गया तो आप कमेंट में आके मुझे बता सकते हैं कि मुझसे छूट गया, बट मैंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। और डिटेल अगर रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहने, अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और गाड़ी किसी और रास्ते पे। अगर आप बनारस से हैं तो आप अभिषेक TVS ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको बाइक स्कूटी जो भी TVS की आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर बात करते हैं सर्विस की, तो अभिषेक TVS की सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अभिषेक TVS अगर आप बनारस से हैं या फिर पूर्वांचल की किसी साइड से हैं तो आप अभिषेक TVS विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें।